पंजाब सरकार खुद दुकानों के विच बेचण जा रही है शराब। जेड़े लोग ठेके ते जान दी करदे ने कॉल उन्हां लई खोली गई है सहूलत। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फैक्ट न्यूज़। अक्सर असीं देखदे आ कि जो शराबी ने शराब पीण दे जो चाहवान हुंदे ने उह ठेकियां ते जांदे ने ते शराब पींदे ने, अते ठेकियां दे बाहर वड्डियां लाइनां लगियां हुंदियां ने। पर हुण पंजाब सरकार एक वड्डा फैसला लैण जा रही है। दस दे कि हुण शहरां दे विच वख-वख शहरां दे विच दुकानां खोलियां जाणगियां जिन्हां दे विच शराब साफ तौर दे उत्ते बिक सकदी है। हुण दुकानां केड़ियां होणगियां? जिहड़ियां आम दुकानां ने उहनां दे नाल संपर्क कीता जाएगा, जां फिर वक्खरियां खास तौर दे उत्ते दुकानां शराब दे लई खोलियां जाणगियां, इह आउण वाला समां दसेगा। पर फिलहाल नवीं आबकारी नीति दे मुताबिक सरकार दे वल्लों इह वड्डा फैसला लिया गया है, जिस दौरान दस्सदे कि पूरी तैयारी सरकार ने खिंच लई है अते 77 दे करीब पहले पड़ा दे विच दुकानां खोलियां जाणगियां। कारण की गल करिए तो एक पासे जो विरोध है पक्के तौर दे उते होवेगा, क्योंकि एक पासे जो महिलावां ने वह काफ़ी परेशान ने जिन्हां दे परिवारिक मैंबर शराब पींदे ने, शराब का सेवन करते हैं, उन्हां दे घर दे हालात की बन चुके ने, ये तुसीं अक्सर ही पंजाब दीआं गलियां गलियां दे विच देख सकते हो। पर हुण पंजाब दे विचों पैसा कित्थों आवे, यह भी एक वड्डा सवाल है। तो इस नूं लैके हुण जो मौजूदा सरकारां ने उन्होंने हुण फैसला लिता है कि शराब की विक्री नूं वधा दिता जाए, जिसके चलदे पहला ठेकियां दे उत्ते सिर्फ शराब दीआं बोतलां मिलदियां सी, पर हुण दुकानां दे विच वी बोतलां मिलणगीआं। हुण फैसला है सही है जां फिर सरकारां नूं कोई होर कदम चुकना चाहीदा सी? इस नूं लैके तुसीं भी अपने विचार कमेंट बॉक्स राहीं सांझे कर सकदे हो। पर दस दईए कि नवीं आबकारी की नीति के मुताबिक यह फैसला लिता गया है, दुकानों के शराब मिलेगी। 77 के करीब दुकानों का फैसला ले लिया गया कि 77 के करीब दुकाना खोलिया जाएगियां, जा दुकानों के नाल संपर्क किया जाएगा जिथे वख-वख किस्म की जो अल्कोहल है शराब है वह मिले करेगी। सो एक पास तो पंजाब दे विच लगातार दंगे वधदे जा रहे हैं, पंजाब दे विच लड़ाइयां झगड़े लगातार वधदे जा रहे हैं, उत्थे दूजे पासे हुण पंजाब दी मौजूदा सरकार नूं इनकम का सोर्स मिलिया है शराब की विक्री। हुण एक पासे सरकारां दी पक्खों देखिया जाए तो पंजाब दे विच पैसा आना जरूरी है ताकि जो पंजाब है उसनों चलाया जा सके, पर दूजे पासे पंजाब के लोगों का इस दे नाल की हाल होगा, इस दे उत्ते भी वड्डा सवाल आ जिन्ना, क्योंकि पहला शराब के रेट गिराए गए जिस कारण जो शराब दे जो सेवन करने वाले लोग ने उन्होंने मौजा लग गई। जो बोतलों ने जिथे एक बोतल खरीदते होंगे सी शराबी, उत्थे दूजे पासे दो दो तीन तीन बोतलों खरीद लग पे क्योंकि शराब के रेट डिग पे। हुण हाँ, उस टैक्नीक तो बाद हुण यह नवा जो कहा जा सकता है कि सरकार दे वल्लों नवी जो तकनीक है इसनों अख्तियार किया गया। हुण दुकानां दे विच जिवें आपां पहला भी गल कीती है कि शराब की विक्री होवेगी, सो सिर्फ इन्ना ही नहीं दस दिए कि इस दी जानकारी खुद मंत्री हरपाल चीमा दे वल्लों भी सांझी की गई है, जो कि आम आदमी पार्टी दे विच एक वड्डे अहुदेदार मंत्री ने। सो हरपाल चीमा वित्त मंत्री हरपाल चीमा दे वल्लों खुद जानकारी सांझी की गई है अते कहा गया है कि शराब दे लई पूरी तरह सरकार तैयार है। हुण इसनूं एक अलग एंगल दे नाल गल नूं जा कहा जा सकता है कि इस मुद्दे नूं पेश करन दी गल कही जा रही है। हुण एक पासे नैगेटिव इस जो फैसला है इसका माहौल जरूर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पहला भी जदों शराब के ठेके नवे खुलने शुरू होए सी तो औरतों ने जो पंजाब दी औरतों ने उन्होंने वालों विरोध किया गया सी। सो जिथे एक पासे पहला अजिहा विरोध होया सी, हुण तां गल दुकानां खोलण दी हो गई है। पंजाब दीआं वख-वख थावां दे उत्ते जां शहरां दे विच वख-वख थावां दे उत्ते दुकानां खोलण दी गल होई है तां फिर विरोध बणदा है। पर हर पक्खों जेकर सोचा जावे तां पहला वी आपां आही गल कर रहे सी कि हर पक्खों जेकर सोचा जावे तां इनकम दा वड्डा सोर्स शराब नूं मन्निया जांदा है। जदों करोना काल दा समां सी तां शायद तुहानूं याद होवेगा तां उस समें दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों एक अर्जी दित्ती गई सी, एक सिफारिश की गई सी सरकार अगे कि करोना का टाइम है, साढ़े पंजाब का जो रुजगार है साड़ी इनकम है बिल्कुल खत्म हो गई है, ठप हो गई है, घट्टो घट्ट सरकार ठेके तो खोल दे।
सो अपील की गई सी, प्रधानमंत्री नूं अपील की गई सी उस समय दे मुख्यमंत्री दे वल्लों। सो इत्थों पता लगता है कि शराब का कारोबार पंजाब दे विच किन्नी कु इनकम का सोर्स है। सो एक पास जिथे पंजाब दे विच इनकम की जरूरत है, उत्थे दूजे पास हुण फैसला अजिहा लिता गया जिस दे विच दुकानां दे विच शराब दीआं बोतलां बिकणगीआं। सो वड्डे सवाल आ जिन्ने हुण इस मामले नूं लैके गंभीरता लगातार बनी हुई है, किहो जिहा जो लोकां दा फतवा इस फैसले दे उत्ते मिलेगा सरकारां नूं, इह वी आउण वाला समां दस्सेगा। पर 1 अप्रैल तो दस दिए यह नीति शुरू हो जा रही है, 1 अप्रैल तो नीति शुरू हो जाएगी। सो सूबा सरकार दे वल्लों 8 मार्च नूं होई मंत्री मंडल दी मीटिंग दे विच साल 2023-24 दे लई नवीं आबकारी नीति नूं प्रवानगी दी गई है। नवीं नीति दे विच छोटे शराब कारोबारियों नूं L2 लाइसेंस देण दे फैसले दे नाल नाल बीयर बारां, हार्ड बारां, क्लबां अते माइक्रो ब्रूरियां दे विच विकण वाली शराब अते बीयर ते लागू वैट दी दर नूं 10% तक घटाउण दा फैसला कीता गया। जिक्रयोग है कि सूबा सरकार ने नवीं आबकारी नीति राहीं नवे वित्तीय साल दौरान 1004 करोड़ रुपए दे वाधे दे नाल 9754 करोड़ रुपए दा मालिया इकट्ठ करना टीचा रख्या होया। सो पूरा जेकर मामले नूं देखिया जावे तां सवालिया चिन्ह फिर खड़े हुंदे ने कि की सिर्फ और सिर्फ शराब दी विक्री ही एक रास्ता है पंजाब दे विच इनकम दा। सो फिलहाल 1 अप्रैल तो नीति शुरू होण जा रही है, पर मौजूदा जो सरकार है उसके फैसले लैके तुहाडे की विचार ने अपने विचार कमेंट बॉक्स राहीं जरूर सांझे करना।